इग्नोर कर, इग्नोर। अरे अरे भैया, आप तो साथ खींचे चले आ रहे हो, क्या कर रहे हो? ये गाइस, हमने यहाँ पर स्टैचू रखा हुआ है, ये 2020 की रिपब्लिक डे परेड में छत्तीसगढ़ की झांकी का स्टैचू है भाई। फार्म पे तो वैसे आने का मजा अपने दोस्तों यारों के साथ ही है, भाइयों के साथ ही है, जब मतलब पूरा ग्रुप आया और आप लोग पार्टी कर रहे हो, फन कर रहे हो। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो। गाइज, दिस इज पार्ट टू ऑफ आर फार्म हाउस वीडियो। अगर आपने पिछला वाला नहीं देखा तो बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही फनी वीडियो था, इट इज अ मस्ट वॉच गाइज। इधर ऊपर मैं लिंक कर दूंगा स्क्रीन पर, आप आई बटन क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। इट इज सीरियसली अ वेरी फनी वीडियो। साशा पाशा ने भाई बहुत बुरा हाल कर दिया था उस दिन। लेकिन आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल गाड़ी दिखाना चाहता हूँ, ये देखो। आई नो इट्स जस्ट अ स्विफ्ट, आप लोग सोच रहे हो कि भैया R8 मस्टैंग और बहुत ही डिफरेंट गाड़ियां दिखाते, तो आज एक बेसिक स्विफ्ट क्यों दिखा रहे हैं? गाइस, दिस कार इज वेरी स्पेशल फॉर मी एंड इट इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। दिस इज द फर्स्ट कार दैट आई बॉट फ्रॉम माय ओन मनी, आई थिंक 6.5 years ago, एंड मतलब पहली गाड़ी अपनी खुद की कमाई की बहुत ही स्पेशल होती है गाइस। पहली गाड़ी, पहली बाइक, पहली साइकिल क्यों नहीं यार, कुछ भी अपनी कमाई का जो पहली चीज आप खरीदते हो वो बहुत ही स्पेशल होती है, एंड दिस कार इज वेरी स्पेशल टू माय हार्ट। और गाइस, खुद की गाड़ी सबकी एक कॉमन विश होती है। आई डोंट थिंक दुनिया में ऐसा कोई भी आदमी होगा जो ये विश ना करता हो कि मेरी खुद की गाड़ी हो। तो वैसे ही मेरी भी विश थी, एंड आज से 6-6.5 साल पहले मैंने अपनी ये विश पूरी की थी, अपनी ये स्विफ्ट को घर लाकर। और उस टाइम गाइस सीरियसली बता रहा हूँ, इतनी खुशी हुई थी ना, एंड एक सेंस ऑफ अचीवमेंट इतना ज्यादा था कि आई लिटरली वॉज क्राइंग, मतलब इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट हैप्पीएस्ट डेज ऑफ माई लाइफ। और ऐसा इसलिए था गाइस कि जब आपकी खुद की गाड़ी होती है तो आपको एक कन्वीनियंस और एक प्रिविलेज दोनों मिल जाते हैं, और अगर आपको कहीं जाना हो, किसी को पिक करना हो, किसी को ड्रॉप करना हो अपने किसी फैमिली वगैरह को, तो आपको किसी पर रिलाई नहीं करना पड़ता। और भाई, अपनी गाड़ी में जो कंफर्ट और सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलता है वो किसी कैब या किसी दोस्त वगैरह की गाड़ी में नहीं मिलता, क्योंकि भाई अपनी कार तो अपनी कार होती है। एंड आई नो अपनी टीम टकर में काफी यंग ऑडियंस भी है, पर जिसके पास अपनी खुद की कार होगी उसको समझ आ रहा होगा कि एक सेंस ऑफ अचीवमेंट क्या होती है और इस चीज की खुशी कितनी ज्यादा होती है। और जिन लोगों का सपना है कि वो अपनी फेवरेट कार परचेज करें और अपनी फेवरेट कार को ड्राइव करने की फील लें, तो उनका ये सपना बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ पूरा हो सकता है। अब गाइज, आप लोग सोच रहे होंगे कैसे, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ कार लोन्स लेना हो गया है बहुत ही ज्यादा इजी। एंड गाइज, बैंक ऑफ बड़ौदा में कार लोन्स के लिए इंटरेस्ट है सिर्फ 7%, व्हिच इज वेरी लेस गाइज, ट्रस्ट मी। एंड गाइज, अगर आप इसके साथ प्रिंसिपल लोन सैंक्शन की बात करते हैं तो वो आपको मिल जाता है विद इन जस्ट 30 मिनट्स, एंड दैट टू डिजिटली। गाइज, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आज ही अपनी न्यू कार बुक करें एंड अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करें विद योर न्यू कार विद बैंक ऑफ बड़ौदा, और अपनी फैमिली के साथ बहुत ही सारी लॉन्ग ड्राइव्स और ट्रिप्स जाएं इन योर न्यू कार। और अब हम लोग जा रहे हैं वापस ऑफिस, आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करो, पूरा एंड तक देखो, एंड जिसने भी लास्ट वीडियो नहीं देखा तो वो जरूर देख लेना, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा इस वीडियो में क्या हो रहा है। एंड इस हमारी बेबी के साथ, इस स्विफ्ट के साथ एक बहुत ही स्पेशल वीडियो प्लान्ड है। ये गाड़ी मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है, एंड इसके साथ बहुत ही स्पेशल कुछ होने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, एंड नाउ जस्ट एंजॉय द वीडियो। भाई, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मेरी अभी 10-20 गुंडों से लड़ाई हुई है और फुल पीटा उन्होंने, मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है भाई, घुटने से लेकर हाथ वाथ सब दर्द हो रहे हैं, जगह जगह दांत मार दिए और पूरा लारों में भर गए हैं, मतलब बाल में थूक है, कुत्तों की जैकेट तो पूरी भर चुकी है, हाथों पे हर जगह, उत्सव का भी इतना बुरा हाल हो रखा है कि पूछो मत। एक दो धक्का थे तगड़े वाले, इसको भी लग गए थे, पर पूरा प्यार भाई मेरे को मिला, भगा भगा के इधर उधर फेंका है ना, टकरे मारी है सिर में आके, टकरे मारी है मेरे, तो बहुत बुरा हाल कर दिया, पर ठीक है, इट इज गुड टू सी माय बेबीज ग्रो। और इतना प्यार से हमने रखा और अच्छे खासे अब वो बढ़ गए, तो काफी आज अच्छा लगा, हट्टे कट्टे हैं बिल्कुल, मतलब बढ़िया है। थोड़ी सी साशा के पैर में चोट लग गई है, हल्का सा उसमें स्वेलिंग है, थोड़ी सी इन्फेक्शन टाइप हो रहा है, तो अभी उसको लेके जाएंगे डॉक्टर के, थोड़ी सी बारिश रुकने का वेट कर रहा हूँ। आई एम जस्ट सो हैप्पी टू सी देम ग्रो सो मच। पाशा तो ऑलमोस्ट भाई मेरे जितना हाइट में हो गया, आई एम 5'9" और पाशा मतलब, और मेरे हिसाब से उत्सव एक साल और में, अभी तो अभी पाशा भी अभी पप्पी हैं ये दोनों, एक और साल में मेरे ख्याल ये हमें तो पार कर जाएंगे, 5-9 तो पार कर जाएंगे भाई, जब दो टांगों पे खड़े होंगे ऑब्वियसली। आप लोग बताओ भाई, साशा पाशा कैसे लगे, उनकी ग्रोथ कैसी लगी भाई? और जिसने पुराने व्लॉग्स नहीं देखे, हमारे पुराने व्लॉग्स जाके देखना, उसमें मतलब लिटरली इन दोनों को मैं अपने हाथों में लेके आया हूँ, दो हाथों में, इतने से मतलब अब तो एक हाथ में कैमरा दिखा नहीं, मतलब बहुत छोटे से लेके आया था इन दोनों को, छोटे छोटे पपीज थे, कैसे उत्सव याद है, पिंजरे में लाए थे, डरा डरा पाशा निकल रहा था एंडेवर के बोनेट पे, एंडेवर के बोनेट पे रखा उसको, बेचारा बाहर ही नहीं आ रहा था, डरा हुआ था, सहमा हुआ था, फ्लाइट से आया था पाशा, तो वो वाला व्लॉग भी जाके देख लेना, मैं इधर ऊपर लिंक कर दूंगा कहीं आई बटन में, जरूर देखना वाला, इतना छोटा सा आया था, इतना बड़ा जायंट हो गया यार, अभी मेरे को उठा के ऐसे धक्के मारे, ऐसे फेंक दिया, बट सीरियसली बहुत मजा आया आज यहाँ आके, फार्म पे बैठा हूँ अभी, मतलब माइंड इतना रिलैक्स हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। पीछे एक बार व्यू देखो आप लोग, हमारे सामने छोटा सा गार्डन है, इसमें इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स लगे हैं, बहुत सारे पेड़ है, हरियाली है, घास बिल्कुल हरी है, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, अभी रिलैक्स हो गया मैं तो। एंड अभी फार्म पे और काम भी चल रहा है, मैंने जो आपको लोगों को रूम दिखाया था वो वाला रूम बन रहा है, और हमने अभी अपने फार्म पर 450 पेड़ लगाए हुए थे, एंड हम यहाँ पर अब 350 पेड़ और लगा रहे हैं, पीछे गार्डन बना रहे हैं, इट्स अ मेज गार्डन,
पेड़ होंगे और उसके बीच में से ऐसे रस्ते होंगे इधर उधर निकलने के, तो वो भी अभी आपको दिखाते हैं। वहाँ पर सारा काम चल रहा है, ट्रीज वगैरह प्लांट हो रहे हैं, बड़े छोटे मिला के अभी फार्म पर 450 पेड़ लगा हुआ है और थोड़े और लगे होंगे, तो अभी फाइनल काउंट हमें नहीं पता, लिखा होगा लड़कों के पास, एक बार देख लेंगे टोटल अभी तक कितने पेड़ लग गए हैं। पर मेरा गोल है इस फार्म पे कम से कम हम 1000 पेड़ तो लगाए टोटल में। उधर आप देखो जो हमारे घर पे सब्जियां आती हैं, जो मम्मी पापा के घर पे मेरे घर पे सारी सब्जियां आती हैं वो सारी इधर से आती हैं। जो ये नेट है वाइट नेट हमने कुत्ते और मुर्गे वगैरह बत्तख के अंदर नाघुसे इसके लिए लगाया हुआ है, इसके पीछे सारी खेती बाड़ी होती है वहाँ और नीचे सारी सब्जियां वगैरह उगती हैं, मतलब मिर्चों से लेकर नींबू से लेकर संतरों से लेकर सब्जियां सब घर पे यहाँ से आती हैं। एंड जितने भी भाई अंडे वगैरह होते हैं वो सारे हमारी मुर्गियां हैं ही वहाँ से आते हैं भाई। फार्म पे तो वैसे आने का मजा अपने दोस्तों यारों के साथ ही है, भाइयों के साथ ही है, जब मतलब पूरा ग्रुप आया और आप लोग पार्टी कर रहे हो, फन कर रहे हो। अभी तो इतना सूना सूना लग रहा है, इतनी शांति लग रही है और पहली बार उत्सव में आए हैं क्योंकि ऑब्वियसली साशा को चोट लगी हुई थी, तो इतनी शांति की हमें आदत नहीं है फार्म पे, तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। और आप लोगों को अभी दिखाता हूँ पेड़ वगैरह हम लोग लगा रहे हैं। दिस इज माई बेडरूम और यहाँ से चलते हैं हम बाहर। पीछे से भी हमने इधर एक एग्जिट बनाया हुआ है और आप यहाँ पे देखोगे, ये देखो इसको खोलते हैं फटाफट। यहाँ बन रहा है वो मेज, आप देख रहे होगे अभी इधर जगह जगह पेड़ लगे हैं। ये गाइस जो हमने यहाँ पर स्टैचू रखा हुआ है ये 2020 की रिपब्लिक डे परेड में छत्तीसगढ़ की झांकी का स्टैचू है, तो हमने बड़ी मुश्किल से इसको प्रोक्योर किया था और ये यहाँ पे रखा हुआ है, तो यहाँ पर बनेगा अभी गार्डन टाइप। उधर काम शुरू हो गया अभी, ये इधर खाली आपको लग रहा होगा, यहाँ भी सारे पेड़ वगैरह लगेंगे। और यहाँ है हमारा पूल, उस तरफ से भी एंट्री है, इधर से भी एंट्री है। तो अपने फार्म पर बहुत सारी मूर्तियां और मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कल्चर्स की स्टैचूज वगैरह लगे हुए हैं, पर मेरी फेवरेट है ये बुद्धा जी की मूर्ति, एलिगेंट इतने सुंदर लग रहे हैं, आराम से लेटे हुए हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, ही इज लुकिंग सो एलिगेंट एंड पीसफुल। सो दिस इज माय फेवरेट स्टैचू ऑन माय फार्म। अनंतराम कितने पेड़ हो गए अभी यहाँ पर टोटल? टोटल 800 पेड़ हो गए सारे छोटे बड़े। अच्छा लग गए हैं सारे अभी? ये तो नीले नीले टोकरे में लगे हैं, थोड़ी लगे हैं अभी, ये तो बांस है। हाँ, इसको भी गाड़ेंगे ना अभी, टोकरा हटेगा ना ये, तो 800 लग गए गाइस। अनंतराम 1000 करने हैं, 1000 पेड़ लगाना है अभी तो और लगना है। हाँ 1000 पार कर देंगे फिर क्या हो गया, हमारे बहुत जगह है आगे, इतनी जगह ही जगह है। ये देखो वाइड एंगल में जगह ही जगह है। हाँ कुछ उगाया है? ला दिखा क्या उगाया है गाइस। मिर्ची, बैंगन और गोभी, टमाटर भी है। और गाइज हमारे ही फैक्ट्री की खाद डलती है इधर सारी, जो हरिद्वार में हमारा प्लांट है उसी से सारी खाद आती है इधर, एंड वही यूज करते हैं हम अपने पेड़ों में भी, हम वही यूज कर रहे हैं और इन सब चीजों में भी हमारी फैक्ट्री की यूज हुई है और इधर भी सारी वही खाद यूज होती है। क्या बात है। सो गाइज ये सारी फसल जो उगी हुई है ये ऐसे 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 करके वहां तक जाती है आगे तक। चल साशा घूमी घूमी चले साशा। ये भी खुश हो गई होगी, आज मैं बाहर निकली हूँ, शहर में आई हूँ फार्म से और बस घूमने निकली हूँ थोड़ा। A few moments later, हमारी साशा देख लो शैतान जितनी है उतनी प्लेफुल भी है, सबसे प्यार से पूंछ हिला हिला के बस मेरे को ही काटती है, मेरे को ही धक्का देती है, बाकी सबके आगे पूंछ हिलाती है साशा। तो यहाँ इसके बेचारी की चोट लगी है थोड़ी सी, इसको दिखाने लाए। क्या हुआ भैया, पस पड़ गई है? ये जितना हार है ना, हाँ ये पूरा पस भर के निकलेगा। हाँ कीड़े भी अंदर मर गए कीड़े तो। सोफ्रामाइसिन वगैरह जितना, यही तो दिक्कत है बस फार्म पे ना, हल्की सी चोट लगती है तो मौसम ऐसा है कि कीड़े पड़ जाते हैं, मक्खियाँ, एक मक्खी बैठ गई ना बस कीड़े पड़ गए, देखो मर ही नहीं कर रहा ये। हाँ मरे, दवाई लगाई थी ना। हाँ फिर आप भागने लगोगे। बढ़िया, उसको खिलाएंगे बिस्किट, थोड़ी सी तिल मिला रही है, ले खा ले खा ले। लो जी रिजेक्ट हो गए, नहीं अप्रूव हो गए।
ये जो गिर गए उन्हें छोड़, जो है वो तो खा। बस हो गया बेटे, हो गया। वाह साशा, तू तो बड़ी गुड गर्ल है, बड़े आराम से तूने सब करवा लिया बिना कुछ परेशान करे। मतलब परेशानी का ठेका सारा तूने मेरे को ही दिया हुआ है, सिर्फ मुझे परेशान करना है तूने। बस थोड़ी देर की बात है, अभी तेरी तारीफ करी इतनी। उसको लग रहा पता नहीं क्या बांध दिया मेरे पे। ओए अभी नहीं खोलना, मैं मतलब 1000 रुपए की शर्त लगाने को तैयार हूँ, ये गाड़ी में ही खोल देगी फार्म वापस पहुंचने से पहले। चल बस छोड़ दे, इग्नोर कर, इग्नोर। अरे अरे भैया आप तो साथ खींचे चले आ रहे हो, क्या कर रहे हो? बिस्किट दो, थोड़ा बिस्किट दे दो। चलो क्या बात है। One hour later. So guys, back at the farm and literally इतनी ठंड हो गई यहाँ पे, पूरा ऐसा लग रहा है कि कोई हम हिल स्टेशन पे हो, मसूरी मनाली शिमला कहीं। पूरी धुंध है आ गई, देखो आपको बैकग्राउंड में दिख ही रहा होगा, धुंध ही धुंध है और हल्की हल्की बारिश हो रही है। और मैंने ऑब्वियसली जैकेट चेंज कर लिया क्योंकि हमारी जैकेट पूरी भर चुकी थी लारों में। एंड टचवुड साशा इज फाइन एंड वापसी में वो बढ़िया, वो सोते हुए उसको कोई फीवर वगैरह कुछ भी नहीं था, सो एवरीथिंग इज ओके, शी इज कम्प्लीटली फाइन। गाइस सीरियसली अभी मैं मचान पे खड़ा हूं, यू जस्ट हैव टू लुक एट दिस व्यू। एक बार ये व्यू देखो गाइस, पूरी फॉग। एक्चुअली जो हमारी मचान है उससे पूरा वैली का व्यू दिखता है। ये पहाड़ है बीच में वैली है, वाइड एंगल करता हूँ एंड जस्ट लुक एट दिस। वाओ अब हुआ है मौसम और बढ़िया सी। अभी अनंतराम बना रहा है चाय, इस झूले पे बैठेंगे और आराम से व्यू इंजॉय करते हुए चाय पियेंगे। और अब आप लोगों से लेते हैं अलविदा। टीम टक यार, यू नो द ड्रिल, यू हैव टू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब। नाउ टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।